नमस्कार बच्चों, तो हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप डिफरेंस समझ चुके होंगे, दोबारा से डिफाइन करता हूँ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कितने एटम प्रेजेंट है उसके अंदर। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था हमने, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज में टोटल है कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर मोल्स कंसीडर करें तो वहां कार्बन के 6 मोल्स, हाइड्रोजन के 12 मोल्स एंड ऑक्सीजन के 6 मोल्स। अब बात करो एम्पिरिकल फॉर्मूला, बच्चों इनको स्मॉलेस्ट होल नंबर में चेंज कर दें, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर में चेंज कर दूं तो C H2O, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों ये क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मैंने वैसे आपको पीछे करवा भी दिया था एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। अब बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ को कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना होता है, किस प्रकार डाटा दिया होता है क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या क्वेश्चन लिख दो आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है, उसमें बच्चों कार्बन है वो 60% प्रेजेंट है ठीक है, और ऑक्सीजन है वो 32% प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन है 8% प्रेजेंट है। कैसे, बाय मास। किस प्रकार प्रेजेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, उसके अंदर 60% तो कार्बन प्रेजेंट है और 32% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन है बच्चों वो 8% प्रेजेंट है। ये सब चीजें किस चीज के हिसाब से, बाई मास। वी हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान से सुनो बच्चों, परसेंटेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है। तो पता है आपको परसेंट कितने में से होता है, 100 में से होता है। तो लेटस टेक सॉल्यूशन, लेटस टेक सैंपल इज 100 ग्राम, सैंपल को हम 100 ग्राम मान ले, या कोई जरूरी नहीं आप 100 की जरूरी थोड़ी ना, 1000 ग्राम मान लो, 10000 ग्राम मान लो, कुछ भी मान सकते हो, परंतु आपको पता है 100 स्टैंडर्ड होता है, इसमें कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और आंसर वही आना है। अगर बच्चों सैंपल मैंने 100 ग्राम का मान लिया तो ये क्या कहता है, यहां पर ये कह रहा है कि बच्चों जो कार्बन प्रेजेंट है वो 60% प्रेजेंट है बाई मास। तो मतलब 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 60 ग्राम ही प्रेजेंट होगा बच्चों, क्योंकि 100 ग्राम का 60% क्या चीज प्रेजेंट है, कार्बन है बाई मास। तो 100 ग्राम में से 60% क्या कार्बन, 60 ग्राम क्या होगा बच्चों, कार्बन प्रेजेंट होगा। और आगे देखू मैं, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है बच्चों, 32 ग्राम, उसी प्रकार 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है बच्चों, 1 ग्राम प्रेजेंट है। अब हमें क्या मिला, हमें यहां पर क्या मिला बच्चों, हमें यहां गिवन मास में पता चल गया कि सैंपल के अंदर 60 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 8 ग्राम हाइड्रोजन है। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं एन गिवन मास बटे मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास ठीक है बच्चों। तो गिवन मास हमें बच्चों कार्बन का कितना दिया हुआ है, हमें गिवन मास बच्चों कार्बन का दिया हुआ है 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकालूं तो 60 बटे में 12 क्या आ गया, 5 मोल, क्योंकि 12 इसका मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो या एटॉमिक मास बोल सकते हो बच्चों, कि कार्बन का पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एटॉमिक मास बच्चों 12 प्रेजेंट होता है। तो 60 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स प्रेजेंट हो गए, 5 मोल प्रेजेंट हो गए बच्चों। इसी प्रकार ऑक्सीजन में अगर मैं मोल्स निकालू NO4, तो 32 ग्राम का सैंपल दिया हुआ बच्चों ने, 32 ग्राम हमें गिवन मास है और मॉलिक्यूलर मास पता होता है ऑक्सीजन का हमें कितना होता है 16, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बच्चों ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बच्चों ऑक्सीजन के 2 हो गए। इज इट ओके,
अब बात करता हूं मैं बच्चों हाइड्रोजन का, नंबरों में हाइड्रोजन निकालता हूं तो 8/1 मतलब 8 मोल्स। यहां से देखो कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने सीखे कि नहीं सीखे। अब आपको यहां से यह पता चल गया बच्चों कि 100 ग्राम का अगर सैंपल है तो उसमें से 5 मोल किसके हैं, कार्बन के हैं, और 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और 8 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो आप इससे आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो, नहीं बना सकते, C5 क्योंकि 5 मोल प्रेजेंट है, O2 क्योंकि इसमें 2 मोल प्रेजेंट है, और HA क्योंकि इसमें कितने मोल प्रेजेंट है, 8 मोल प्रेजेंट है। तो बच्चों इट्स ए एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुका हूं, और कैलकुलेशन में ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे था और इसका आंसर हमने कैसे दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये रख कर देता हूं, चलो पीछे हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, आई थिंक अब इसे मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों 7.3 ग्राम क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 7.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों मैं और सी से लिख देता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हैज 7.3 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, जिसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन बच्चों इस सैंपल में कार्बन 3.6 ग्राम प्रेजेंट है, और 0.7 ग्राम एच हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 1.4 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें क्या करना है यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो बच्चों यहां पर 7.3 ग्राम सैंपल है टोटल, कितना सैंपल है टोटल 7.3 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब बच्चों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैव कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस 7.3 ग्राम में सभी चीजें प्रेजेंट है, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कार्बन भी है बच्चों, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इसमें ये बता भी दिया उसने कि कार्बन बच्चों 3.6 ग्राम कार्बन है, और 0.7 ग्राम हाइड्रोजन है, और 1.4 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। अब हमें इसका क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन को अप्रोच किया था, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहां पर, क्या किया था बच्चों हमने, क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं। देखो मैं कार्बन का मास कितना दिया हुआ है बच्चों, एन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, गिवन मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.6 दिया हुआ है, पर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है बच्चों, तो मोल आ जाएंगे इसके 0.3 मोल, ठीक है, समझ गए आप। अब देखोगे आप कि हाइड्रोजन है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल काटू, एन ऑफ एच नंबर ऑफ मोल निकालूं, तो गिवन मास कितना है बच्चों, यहां से पता चल रहा है 0.7 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 1, या मोलिकुलर एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, तो इसके कितने मोल प्रेजेंट हो गए, 0.7। और अब बात करूं मैं एन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन के निकालता हूं, गिवन मास कितना है बच्चों, 1.4 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, हम किस चीज से डिवाइड करते हैं, एटॉमिक मास से, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14, तो ये आ गया 0.1 मोल। परंतु एक दिक्कत आ गई यहां पर, हमें ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ, अगर हमें ऑक्सीजन का मास दिया होता बच्चों तो इसी प्रकार हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते, इज इट ओके, आप समझते हो, इसी प्रकार हमें नंबर ऑफ मोल निकाल लेते, परंतु हमें ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ, तो हाउ डू वी फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का मास कैसे निकाले हम, वेरी इजी बच्चों, बहुत आसान है। देखो टोटल मास दिया हुआ है, इन तीनों का मास दिया हुआ है, अगर इस मास में से इन तीनों का मैं घटा दूं तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बच्चों ऑक्सीजन का मास
इस प्रकार है, क्या करूंगा मैं 7.3 ग्राम में से 3.6 जो कार्बन का दिया हुआ वो घटा दूंगा, 0.7 ग्राम जो हाइड्रोजन का दिया हुआ वो घटा दूंगा, और 1.4 जो नाइट्रोजन का दिया हुआ वो घटा दूंगा, तो 1.6 ग्राम आ जाएगा। ये समझे आपने, ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था, आपको खुद को कैलकुलेट करना था कि ऑक्सीजन का मास सैंपल में कितना प्रेजेंट है, ये कितना आता है बच्चों 1.6 ग्राम। अगर 1.6 ग्राम आता है तो NOO नंबर ऑफ मोल O के भी निकाल सकते हैं हम, ह्यूमन मास कितना है बच्चों 1.6 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो बच्चों 0.1 मोल इसका आ गया। तो जैसे कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, मैं अब इसको लिख सकता हूं, मैं कार्बन के कितने मोल प्रेजेंट है बच्चों 0.3, इज इट ओके ना, हाइड्रोजन के मोल कितने प्रेजेंट है बच्चों 0.7, और नाइट्रोजन के मोल कितने प्रेजेंट है बच्चों 0.1, और ऑक्सीजन के कितने हैं प्रेजेंट बच्चों 0.1। अब यहां पर ये हमें क्या मिल गया फॉर्मूला, परंतु बच्चे हमें क्या करना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे से छोटा होल नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो इस बात को। तो बच्चों इसको 1, 2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट करना है या छोटे से छोटे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे को, तो ये आ जाएगा C3H7N1O1। इट्स ए एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड योर आंसर, ये बात आप समझिए कि नहीं समझे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के, इस प्रकार हमें इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं एक बार इधर हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, मैं फिर भी लिखूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, स्टेटमेंट लिखूं उसको आप स्किप कर देना, उसके बाद में स्टेटमेंट को समझाऊं, वहां से आप वीडियो को देखना शुरू कर देना, या मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो समझा दूं साथ साथ, ताकि बाद में टाइम खराब ना हो अपना और हमें ज्यादा पोर्शन कवर कर सके। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए हाइड्रोकार्बन वेट उसका बच्चों कितना है, वेट कितना है बच्चों उसका 1.4 ग्राम, ठीक है। ऑन कंप्लीट कंबसन, ऑन ए कंप्लीट कंबसन ड्यू टू गैस, हमें कंप्लीट कंबसन में दो गैस देता है, विच ऑन पासिंग थ्रो CuFO4 ड्राई बोल देता हूं, या इसे अनहाइड्रेट बोल देता हूं क्रिस्टल, इंक्रीज द वेट ऑफ क्रिस्टल बाय 1.8 ग्राम, ठीक है बच्चों। आगे स्टेटमेंट में क्या है, द रिमेनिंग गैस, द रिमेनिंग गैस विल पास थ्रो वन पास्ट थ्रो KOH सोल्यूशन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड बोल दो, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मास ऑफ KH एंड इंक्रीमेंट इन मास ऑफ KOH,
ठीक है बच्चों, देख लेते हो एक बार वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, वीडियो में पूरा आ रहा है आपका। ए हाइड्रोकार्बन वेल, मतलब एक हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले बता दूं हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, जो सी और एच से मिलकर बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। वेट, उसका वेट हमें कितना दिया हुआ है 1.4 ग्राम। और कंप्लीट कंबसन, आपने 10वीं क्लास में कंबसन की रिएक्शन पढ़ी होगी। कंबसन क्या होता है बच्चों, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, CO2 प्लस H2O, ये दो चीजें हमें मिलती है, आपको पता होगा। ठीक है, गिव कंबसन है, गिव द गैसियस, दो गैस देती है, दोनों की दोनों गैस है, वाटर भी गैस में है। पासिंग पर होता है CSO4, क्रिस्टल इंक्रीमेंट इन द वेट। जब बच्चों इन गैसों को हमें CuSO4 में से पास करते हैं तो इस CuSO4 का वेट है वो 1.8 ग्राम बढ़ जाता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों आपके लिए ये है कि CuSO4 होता है ना, वो ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि वाटर है वो 1.8 ग्राम बना है। क्यों? क्योंकि CuSO4 होता है ना बच्चों, वो केवल वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जो वेट बढ़ा है वो केवल वाटर के कारण ही बढ़ा होगा, वाटर के कारण बढ़ा होगा। तो यहां से पता चल गया जो H2O गैस बनी थी वो 1.8 ग्राम है। इज इट ओके? द रिमेनिंग गैस, अब बच कौन सी गैस गई बच्चों, CO2। वेन पास थ्रू द KOH सॉल्यूशन, जब इसे हम KOH सॉल्यूशन से पास करते हैं तो हमें पहली बात तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है बच्चों। फिर क्या करना है, इंक्रीमेंट इन मास ऑफ KOH। क्यों? जब KOH के सॉल्यूशन से CO2 पास करूंगा तो KOH CO2 को भी एब्जॉर्ब करेगा, तो भी तो क्या होगा, KOH का भी मास बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो अब उसका इंक्रीमेंट निकालना है बच्चों मेरे को, और क्या निकालना है, और बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले बच्चों मैं इसे मिटो देता हूं, अब बच्चों बोला इसमें हाइड्रोकार्बन, हमें तो पता नहीं इसमें कितने हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। तो यहां से आप लिखो क्या, CX, कोई X नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसमें, HY और Y नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसे हम O2 में बर्न करते हैं तो बच्चों ये तो कंफर्म है हमें CO2 मिलेगी प्लस में H2O मिलेगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है बच्चों कि H2 कितना मिलता है, 1.8 ग्राम, क्योंकि जो CuSO4 था उसका वेट था ना वो 1.8 ग्राम से बढ़ गया। और ये खासियत है CuSO4 की, वो केवल वाटर मॉलिक्यूल को ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसका वेट कितना हो गया बच्चों, 1.8 ग्राम। ठीक है, समझ गए इस बात को आप? तो अब यहां से आप देखोगे 1.8 ग्राम बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें वाटर का क्या मिल गया बच्चों, मॉलिक्यूलर मास मिल गया, गिवन मास मिल गया। तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता मैं? तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकालता हूं तो ये 18 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो क्या आ गया बच्चों, 0.1 मोल आ गया। अब आप देखो यहां से, आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर H2O का एक मोल होता है, H2O का एक मोल होता है तो उसमें H के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, ओनली H की बात कर रहा हूं, दो मोल होंगे ना क्योंकि हाइड्रोजन दो प्रेजेंट है। अगर H2O का एक मोल प्रेजेंट होता है तो बच्चों उसमें दो मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ओनली हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो बच्चों 0.2 मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बात समझ रहे होगे नहीं समझ रहे आप, 0.2 मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर 0.2 मोल आ जाता है बच्चों, 0.2 मोल आ जाता है तो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन से ही तो यही बना होगा और कहीं से तो आया ही नहीं, तो इसका वेट हमें पता चल गया, इसके मोल्स बच्चों में पता चल गए कितने, 0.2 मोल। बच्चों क्या पता चल गया इसका हमें, 0.2 मोल। अब बच्चों हमें इसके 0.2 मोल का पता चल गया, तो अगर नंबर ऑफ मोल दिए हो तो हम मास भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, देखो कैसे।
नंबर ऑफ मोल दिए और जो मास निकालते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं बच्चों, गिवन मास हमें निकालना है और एटॉमिक मास इसका 1 होता है तो बच्चों गिवन मास कितना आ जाएगा 0.2 ग्राम। इज इट ओके और नॉट? यहां से 0.2 ग्राम क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया गिवन मास, मतलब 2 मोल के हिसाब से यहां पर इसका मास बच्चों हमें पता चल गया कितना हो गया 0.2 ग्राम। ठीक है, टोटल सैंपल का वेट कितना था यहां पर देखो आप, टोटल सैंपल का वेट था बच्चों कितना 1.4 ग्राम। तो ये अगर 1.4 ग्राम टोटल सैंपल का था और इसमें से हाइड्रोजन का हमें पता चल चुका है तो इसका कितना हो गया 0.2 ग्राम, माइनस कर दूं तो पॉइंट इतने ग्राम क्या हो गया कार्बन। अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन का वेट पता चला कि नहीं चला आप बताओ मुझे, वेट पता चला कि नहीं चला? तो अब हमें इनका वेट पता चल गया बच्चों, इनका हमें मोलिकुलर या एटॉमिक मास पता चल गया। तो अब हमें अगर कार्बन इतना प्रेजेंट है तो कार्बन के मोल निकालो यहां से, एन इज इक्वल टू कितना गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 0.1 मोल। और इसी प्रकार इसके बच्चों यहां जाएंगे 0.2 मोल। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो 0.1 मोल ये हो गया, एच क्या हो गया 0.2। और इंपीरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला होता है उसे होल नंबर में क्रिएट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। पॉइंट्स में होता है उसे हम इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं बोलते, हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करूं C1H2, इट्स ए इंपीरिकल फॉर्मूला। बच्चों क्या है ये, इंपीरिकल फॉर्मूला है किस चीज का, ये हमें जो पूछा था पहला क्वेश्चन फाइंड द इंपीरिकल फॉर्मूला, तो बच्चों हमने यहां इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कितनी मात्रा में या कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ठीक है बच्चों, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। अब इसको समझने के लिए आप बताओ यहां से देखो, अगर ये बच्चों 1 मोल होता है, अगर ये 1 मोल बनता है, अगर हमारे पास एक इसको 1 मोल लेकर चलते हैं तो यहां पर 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो अगर ये 1 मोल हो तो ये 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा समझो, अगले पार्ट में स्टोइकोमेट्री करवाऊंगा आपको तो वहां आप सही से समझ जाओगे। अगर बच्चों ये 1 मोल से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो बच्चों कार्बन का वेट कितना है 0.1 ग्राम या 0.1 मोल है कि नहीं, ये अभी निकाला था 0.1 मोल, तो इससे 0.1 मोल ही क्या बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। समझे क्या इस बात को आप, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे आप तो वो कितना है 0.1। गिवन मास हमें निकालना है, मोलिकुलर मास बच्चों इसका होता है 44, तो यहां से हमें गिवन मास निकाले तो 4.4 ग्राम आ जाता है। समझे कि नहीं समझे आप इसको, ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन, ये इस प्रकार हमने इसे डील किया है। तो पेशेंस रखना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा आपको। अगर आपको बच्चों इसी प्रकार के न्यूमेरिकल चाहिए या फिर थोड़ा लेवल लो करूं या फिर थोड़ा और हाई करना है तो मेरे को प्लीज कमेंट के अंदर बताओ और मेरे इस चैनल कीमो गुबिया को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन केवल इसी चैनल पर ही करवाऊंगा मैं, थ्योरेटिकल पोर्शन दूसरे चैनल पर करवा सकता हूं। इस बात को समझ बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत जरूरी होते हैं, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं और ये कितने आसान तरीके से कितना बड़ा न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया है। अगर आपको दिक्कत आती है बच्चों तो मेरे को बताओ ताकि उसका सॉल्यूशन दोबारा करूंगा आपको मैं। तो बच्चों आप क्या करोगे, मेरे इस चैनल कीमो गुबिया को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। थैंक यू बच्चों।